हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 का हिंदी का प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखना शुरू करते हैं प्रश्न और उसके उत्तर। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के पास है, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिला करके चिलम कौन पीता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंशी जी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किस सदी में चीनी यात्री फाहयान नालंदा में आए थे? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छठी सदी में। अगला हम लोग देखेंगे, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनता के उदार दान से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो योग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवपूजन सहाय का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अगला है वियुक्ति का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है, वियुक्त का अर्थ होता है लुप्त। अगला हम लोग देखेंगे, तो लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण परिवेश की। अगला है बागर कौन था? तो एक तरह से बकरा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला सवाल हम लोग का है कि कलकत्ता में रिटायर थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टीवसन ने। अगला है भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे? तो इसका हो जाएगा आपका सर आर पी परांजपे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी 1931 के आसपास। अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ लकड़ी ना होकर के सन होना चाहिए था, ये मिस प्रिंट है। अगला हम लोग देखेंगे, तो भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य में कौन सी विद्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निबंध। अगला है आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। अगला है टॉलस्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी? तो जब वह 2 वर्ष के थे तब। अगला है यहाँ पे टॉलस्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया जाया करते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेड़ की छाया में। अगला है उलुंग का क्या अर्थ होता है? तो उलुंग का होता है आपका नीचा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल तो यह है, भूगोल की किताब किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो ये होता है आपका 1935 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कल्पना शक्ति। अगला हम लोग देखेंगे, तो अस्पर्शीय का अर्थ क्या होता है? न छूने योग्य। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो चारा मशीन की से कलाई कट गई है, सुने लाल ने किससे कहा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला हम लोग देखेंगे, तो शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो 1902 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा प्रणाली की। अगला हम लोग देखेंगे, तो रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति डैश, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़े दिन राती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोली भरी थारी। अगला हम लोग देखेंगे, तो सुनहरी चादरें कहाँ बिछी हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आसमान में। अगला है यामा किसकी रचना है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा की। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है कवित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पथ को। अगला हम लोग देखेंगे, नीर का अर्थ क्या होता है? तो नीर का अर्थ होता है जल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है कीर्ति गायन कौन गा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहंग बंदी और चारण। अगला हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के। अगला हम लोग देखेंगे, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रजा के रूप में। अगला है छोड़कर मैदान भागी तरीकों की डैश, तो यहाँ हो जाएगा फौज सारी, इसमें भर देना है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो कवि केदारनाथ अग्रवाल
आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, गीतों फूलों और विद्या के। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर की अध्यक्षता में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कवि ने। अगला है रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी पर उठने के लिए कुछ मिनट लगते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंत्री को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रुको बच्चों। अगला हम लोग देखेंगे कि अंधेरे कोने में दुबक कर एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस में रेखांकित वह कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्मो। अगला है निम्मो समाज के किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ का यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्र का। अगला है समुद्र शीर्षक कविता में चिर तृषित कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चांद। अगला सवाल हम लोग देखेंगे मानवता धीन में संघर्षों की भागीदारी किसकी कविता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिओद की। अगला है पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छठ गीत। अगला है पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका झूमक लाल ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो ये है चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथिला की चित्रकारी। उसके बाद है महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ ही उच्च कोटि के क्या थे? तो अभिनेता और निर्देशक। यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। साथ ही आप लोग को यह वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, और इससे अगर थोड़ा भी आप लोग का तैयारी सही हो पा रहा है और आप लोग कुछ प्रश्न या फिर सभी प्रश्न जा कर के सही सही बना पा रहे हैं तो उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें, इसी तरह का कॉन्टेंट आप लोग को यहाँ देखने को हमेशा मिलता रहेगा, और पास्ट में भी हम लोग इस तरह का कॉन्टेंट डालते रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।